जानते हैं अचार डालने की जो कला है यानी कि पिकलिंग, इसका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे हिंदुस्तान में। और हर हिंदुस्तानी घर में जैसे ही मौसम की कोई बढ़िया बढ़िया से आम आते हैं या सब्जियाँ आती हैं, मिर्च आती है, हम शुरू हो जाते हैं अचार डालना। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसा ही एक अचार। बहुत ही लज्जतदार है ये, और द गुड पार्ट इज ये इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। ये सारी सब्जियां देख के तो समझ ही गए होंगे ना कौन सा अचार डाल रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट गाजर गोभी और शलगम का खट्टा मीठा अचार। चलिए बनाते हैं। तो गाजर गोभी और शलगम इनको मैंने काट करके रख लिया है। अब ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, ऐसा मेरी बीजी किया करती थी कि पानी को उबालती थी और इसको बस 2 मिनट के लिए ब्लांच करके निकालती थी और फिर इसे सुखा देती थी और कम से कम 5-6 घंटे इसे सूखने देती थी। आपको मैं दे रही हूँ उसका एक बहुत ही अच्छा सा आसान सा ऑल्टरनेटिव। देखिए क्या करना है। तो बस करना इतना है कि ये मैंने अपने माइक्रोवेव की ग्लास ट्रे निकाल ली है और इसके ऊपर ये अपनी वेजिटेबल्स को मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ एक सिंगल लेयर में। वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के आप सुखा लीजिए एंड देन यू कट देम और यहाँ पर ये गाजर भी। याद रखिएगा सिंगल लाइन में इनको स्प्रेड करना है और जरूरत पड़े तो 2 बार में कर लीजिएगा। और अब इन वेजिटेबल्स को मैं माइक्रोवेव कर लूंगी 2 मिनट के लिए। ऐसा करने से ये पार्शियली कुक भी हो जाएंगी और साथ ही साथ डिहाइड्रेट हो जाएंगी, यानी कि इनकी थोड़ी सी नमी वो चली जाएगी। माइक्रोवेव काफी डिहाइड्रेटिंग होता है इसलिए। जब तक मेरे वेजिटेबल्स रेडी होते हैं तब तक मैं इसके मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल और इस सरसों के तेल को हम गर्म होने देंगे तब तक जब तक कि इसमें धुआं नहीं उठ जाता। अब गैस को करते हैं बंद और इसे थोड़ा सा हम कूल डाउन कर लेते हैं। जब ये थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा तब डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। राइट, अचार में अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इस प्याज लहसुन के पेस्ट को हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाता और ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब आप देखेंगे कि इसकी बबलिंग बहुत सब्साइड कर गई, यू विल नोटिस कि ये भी काफी ब्राउन हो गया है। आई एम गोइंग टू एड टू दिस माई स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूं इसमें 1 चम्मच भर कर हल्दी और ऐड करूंगी इसमें 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ऐड करूंगी इसमें 1 कप ग्रेट किया हुआ गुड़ और आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड टू दिस 1/2 कप ऑफ विनेगर। तो ये सिरका, गुड़, मसाले, तेल, इनको आपस में हम पका लेते हैं। मिक्स दिस इन, गुड़ को पक जाने देते हैं। तो गुड़ भी पिघल गया है और 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। अब गैस को करते हैं बंद और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप पिसी हुई सरसों। मिक्स दिस इन और अब वो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जिसके बिना भाई अचार कहां पड़ेगा, वो है नमक। तो ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट। किसी भी अचार को खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें तेल और नमक की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। नमक अगर कम रह गया अचार खराब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो सरसों का तेल और जो सिरका हमने डाला है ना,
वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, यानी कि अचार को खराब होने से प्रिवेंट करता है। तो मसाला रेडी और मेरे वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुके हैं, चलिए उसे भी निकाल लाते हैं। मेरी वेजिटेबल्स भी निकल के आ चुकी हैं, 2+2 यानी कि टोटल 4 मिनट्स के लिए मैंने इन्हें माइक्रोवेव कर लिया था। एंड यू नोटिस ये काफी डिहाइड्रेट हो चुकी हैं, थोड़ा श्रिंक कर गई हैं। तो जितना अचार में मॉइस्चर कम होगा उतना ये अच्छा रहेगा। अब इसे थोड़ा सा मैं हवा लग जाने दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और मॉइस्चर खत्म हो जाए, और तब तक ये जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया है इसमें मैं 1/4 कप व्हाइट विनेगर और ऐड कर रही हूँ। तो यानी कि आधा पहले और 3/4 कप्स ऑफ व्हाइट विनेगर आई हैव एडेड टू दिस। एंड नाउ एक बड़े से ग्लास बोल में मैं रिमूव कर लूंगी अपने वेजिटेबल्स को। और अब इसमें ऐड करूंगी ये जो मसाला मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ये मसाला। इसे टर्न कर लीजिए। अब इसे ग्लास कंटेनर्स में फिल करके आप रख दीजिए। आप चाहे तो इसे 2 दिन की धूप दिखाइए, नहीं तो ऐसे भी खाने के लिए ये 1 दिन में तुरंत तैयार हो जाता है। Should you wish, you can just microwave this again for 2 minutes and you will have your pickle ready to eat instantly. यानी कि 2 मिनट के बाद खा भी सकते हैं। अरे वाह, तो था ना कितना बढ़िया सा ये अचार गाजर गोभी और शलगम का। जानते हैं मेरे घर में तो हम इसे ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाते थे इन प्लेस ऑफ सब्जी। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार। तो अगर इस इंस्टेंट गाजर गोभी शलगम के अचार की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत कीजिए। एंड इफ यू प्रेस दिस बेल आइकन, मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। सो डू दैट इमीडिएटली।